अब मैं यहां पर ले रहा हूं 8वें नंबर का जो क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंडस्ट्रीज में जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो ये पूछा ही पूछा जाना है आपसे। तो यहां पर ये क्वेश्चन है कि इंडस्ट्रीज में अर्थिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा ही पूछेगा, ये इलेक्ट्रिशियन का इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसमें ये आपसे पूछेगा कि इंडस्ट्री में अर्थिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है इसका कि जो हमारे इंडस्ट्री में अर्थिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो होनी चाहिए 0.5 ओम टू 1 ओम, 0.5 ओम से लेके 1 ओम तक इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू होनी चाहिए। अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेता है कि वोल्ट कितना होना चाहिए, तो वोल्ट हम यहाँ पर बताएंगे कि हमारा जो वोल्ट होना चाहिए वो 3 वोल्ट होना चाहिए, 3 वोल्ट के अंडर में ही, 3 वोल्ट से ऊपर नहीं, 3 वोल्ट के अंडर में ही होना चाहिए हमारा, 1 वोल्ट 2 वोल्ट या 3 वोल्ट ऐसे कम ही होना चाहिए 3 वोल्ट से। ये वोल्ट हम कहाँ पे नापते हैं, ये नापते हैं हम लोग अर्थिंग के बीच में, अर्थिंग और न्यूट्रल के बीच में। एक तरीका ये भी है कि आप मल्टीमीटर से पहले फेस और न्यूट्रल के बीच में आप चेक कीजिए कितना वोल्ट आ रहा है। मान लीजिए कि 230 वोल्ट आया, तो आप अर्थिंग और फेस के बीच में चेक करके भी देख सकते हैं, अगर 230 वोल्ट के आसपास ही आ रहा है, 1-2 वोल्ट का अंतर है, तो आप वहाँ पर मान लेंगे कि जो हमारी अर्थिंग है वो काफ़ी अच्छी है। तो इस तरीके से हम इंटरव्यूअर को बता सकते हैं कि जो हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है अर्थिंग की, वो इंडस्ट्रीज में 0.5 ओम से लेके 1 ओम तक हमारी रहनी चाहिए। इसके बाद जो मैं 9वें नंबर का क्वेश्चन ले रहा हूँ, वो हमारा 9वें नंबर का क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप सब स्टेशन वगैरह या स्विच यार्ड के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ पर ये आपसे पूछेगा ही पूछेगा कि बी डी वी टेस्ट क्या होता है, बी डी वी टेस्ट क्या होता है। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है कि जो हमारा बी डी वी टेस्ट होता है, ये हमारा किया जाता है ट्रांसफार्मर के लिए। कहाँ पे किया जाता है, ट्रांसफार्मर के लिए। इसकी फुल फॉर्म होती है ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट। इसकी फुल फॉर्म होती है ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट। ये किस लिए करते हैं, ये करते हैं हमारा जो ट्रांसफार्मर ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की मेजरिंग के लिए हम लोग ये यूज करते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल की। इससे पता चल जाता है कि ट्रांसफार्मर जो ऑयल है उसके अंदर मॉइस्चर वगैरह तो नहीं है, यूज करने के लिए सही है कि नहीं है। इसमें क्या होता है, एक ग्लास का जार होता है इस तरीके से, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, इसके अंदर तेल भर दिया जाता है, हम सैंपल कलेक्ट करते हैं ट्रांसफार्मर से, इसके अंदर ऑयल भर देंगे हम लोग, और ये हमारे इलेक्ट्रोड हैं, दो इलेक्ट्रोड हैं, इन इलेक्ट्रोडों पे हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि स्पार्किंग कब हो रही है। अगर ये 30 kV से ऊपर, 30 kV से ऊपर वोल्टेज अप्लाई करने पर अगर इसमें मॉइस्चर उत्पन्न, वो स्पार्किंग हो रही है यहाँ पर इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में, स्पार्किंग अगर 30 kV से ऊपर वोल्टेज अप्लाई करने पर हो रही है, तो इस तेल को हम लोग अच्छा मान लेते हैं कि इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छी है, इसे ट्रांसफार्मर में यूज कर सकते हैं। अब वो पूछ लेगा कि इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का गैप कितना होना चाहिए, तो वहाँ पर हम बताएंगे कि 2.5 mm का गैप हम लोग यहाँ पर मेंटेन करते हैं, 2.5 mm का हम लोग यहाँ पर गैप मेंटेन करते हैं। एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि इसमें ट्रांसफार्मर ऑयल का नाम क्या है, तो नेफ्था ऑयल या मिनरल ऑयल इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। तो ये इसका आंसर हम लोग देंगे बीडीवी टेस्ट का कि क्या होता है। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, वो ले रहा हूँ लाइटिंग अरेस्टर से, क्योंकि हमारा मोटिव है कि जो भी सब स्टेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं उनको हम लोग क्लियर कर लें। इसके बाद मैं और मोटर वगैरह से और चीज़ों से क्वेश्चन लूँगा। तो यहाँ पर जो हमारा 10वां क्वेश्चन है वो है लाइटिंग अरेस्टर का, लाइटिंग अरेस्टर पर अगर वोल्टेज का मान, तो पूछ लेगा वोल्टेज का मान
कम है तो रेजिस्टेंस का मान ज्यादा होगा या कम होगा। लाइटिंग अरेस्टर पे जो वोल्टेज आरोपित हो रहा है, अगर उसका मान कम है तो इस लाइटिंग अरेस्टर का रेजिस्टेंस का मान कम होगा कि ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को आंसर देना है कि अगर वोल्टेज का मान कम है तो जो हमारा रेजिस्टेंस का मान है वो हमारा ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस का मान ज्यादा होगा, अगर वोल्टेज का मान यहाँ पर ज्यादा होता तो रेजिस्टेंस का मान हमारा कम होता। तो इस तरीके से उल्टा होता है वो, इसलिए आपने देखा होगा लाइटिंग अरेस्टर की असेंबली कुछ इस तरीके की रहती है, दो पार्ट में, और इसके ऊपर एक हॉर्न लगा रहता है। ये सब स्टेशन में स्विच यार्ड में देखने को मिलेगा। लाइन जब स्टार्ट होती है हमारे सब स्टेशन में उतरती है तो वहाँ पर शुरू पर इसी पर कनेक्ट होती है आकर, लाइटिंग अरेस्टर पर ही आकर कनेक्ट होती है। ये हमारा इसलिए लगाते हैं ताकि सब स्टेशन में जो भी उपकरण है वो सुरक्षित रहें, जब भी बिजली वगैरह गिरती है तो ये उसको आकर्षित करके जमीन के अंदर पहुंचा देता है लाइटिंग अरेस्टर, बाकी सारे उपकरण सुरक्षित रहते हैं। इसमें हम लोग सेमी कंडक्टर का यूज करते हैं, जब एक जो रेंज है वोल्टेज की उससे वोल्टेज अगर ऊपर का इस पे आरोपित होता है तो फिर ये कंडक्टर की तरह काम करता है और इसको जमीन में पहुंचा देता है। लेकिन एक रेंज जो एक इसकी लिमिट है, अगर वोल्टेज वहीं तक इस पे आरोपित हो रहा है इतनी लिमिट तक, तो फिर ये रेजिस्टेंस बना रहता है इसका जो, और रेजिस्टेंस इसका अधिक रहता है जिससे कि लाइन आगे की तरफ जाती रहती है, आगे की तरफ सब स्टेशन में जाती है। लेकिन जैसे ही वोल्टेज का मान इस पे ज़्यादा होगा तो फिर वो जमीन के अंदर सारा वोल्टेज है वो पहुंचा देगा और उसको शून्य कर देगा, तो जिससे सारे उपकरण सुरक्षित रहते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा जो है लाइटिंग अरेस्टर सब स्टेशन में काम करता है। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर भी आपने लगा देखा होगा उसको सुरक्षित रखने के लिए, कि बिजली वगैरह गिरे तो उसको ज़मीन में पहुँचा दे। तो ये हमारा मेनली इसका काम है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो फिर मिलते हैं इसी तरीके के नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।